अंतरिक्ष में अगर आज इंसान जा रहा है तो इसका बहुत श्रेय एक डॉगी को जाता है। उसने हमारे लिए कुर्बानी दी, तब जाकर हमारा अंतरिक्ष में जाना संभव हो पाया। नाम था लाइका। लाइका की जिंदगी अब तक यूं ही सड़कों पर घूमते फिरते कट रही थी, लेकिन ये सब जल्दी ही बदलने वाला था। बात है 1950 के दशक की। इंसान जब भी आकाश की ओर देखता, एक हुलस उठती थी। अंतरिक्ष की गहराइयों को हम कब नाप पाएंगे? लिहाजा रॉकेट्स बनाए गए, जिनमें बैठकर इंसान अब आकाश गंगाओं का रुख करने वाला था। इसे किस्मत ही कहेंगे कि वैज्ञानिकों ने इस मिशन के लिए लाइका को चुना। वैज्ञानिक ये जानना चाहते थे कि स्पेस फ्लाइट का किसी जीवित प्राणी पर क्या असर होता है। 3 नवंबर अंतरिक्ष के इतिहास में अहम दिन है। इसी दिन यानी 3 नवंबर 1957 को रूस ने स्पुतनिक 2 नाम के अंतरिक्ष यान में लाइका नाम की एक डॉगी को अंतरिक्ष में भेजा था। स्पुतनिक 2 में बैठकर उसने धरती के चक्कर भी लगाए थे। लाइका को एक तरह से परीक्षण के लिए भेजा गया था। इस मिशन का एक मकसद ये जानना था कि अंतरिक्ष में किसी इंसान को भेजना कितना सुरक्षित है और वहाँ की स्थिति कैसी है। दुखद बात ये है कि लाइका ने इस स्पेस मिशन में अहम भूमिका निभाई, लेकिन वो धरती पर जीवित वापस नहीं आ सकी। आइए लाइका और अब तक कौन कौन से जानवर अंतरिक्ष में गए और उनका क्या हुआ जानते हैं। सन 1957 सोवियत यूनियन की एक टीम अपने इलाके के बेसहारा फीमेल कुत्तों को पकड़ रही थी और यहीं से इस अंतरिक्ष यात्रा की नींव पड़ी। स्पेस मिशन के लिए फीमेल कुत्ते पहली पसंद थे। छोटा आकार और मेल कुत्तों के मुकाबले उनका विनम्र स्वभाव इसका कारण थे। बेसहारा कुत्तों को इसलिए चुना गया क्योंकि उन्हें कठिन परिस्थितियों में रहने की आदत होती है और स्पेस मिशन के लिए सोवियत यूनियन को ऐसे ही कुत्तों की जरूरत थी। उनकी एक खोज लाइका पर आकर रुकी। मॉस्को की गलियों में भटक रही छोटी और दुबली पतली सी लाइका मिक्स्ड प्रजाति की थी। उसका असली नाम कुद्रायव का था। सोवियत स्पेस प्रोग्राम मेडिकल साइंटिस्ट डॉक्टर व्लादिमीर यास्दोवस्की और उनकी टीम ने जब उन्हें पकड़ा, तब उनके रहने का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन उनको जल्द ही एक नया घर मिलने वाला था। हालांकि इस नई जगह पर उन्हें रशियन स्पेस मिशन के लिए ट्रेंड किया जाना था। ट्रेनिंग के लिए कुद्रायव का जैसे कई बेसहारा कुत्तों को USSR साइंटिस्टों ने पकड़ा। ट्रेनिंग के दौरान लगभग 20 दिनों के लिए बहुत ही छोटी सी जगहों में उन्हें कैद करके रखा गया। अंतरिक्ष यान में बहुत ही कम जगह में सरवाइव करने के लिए उन्हें ऐसी ट्रेनिंग दी जा रही थी। पहले उन्हें थोड़े छोटे पिंजरों में रखा गया, उसके बाद और छोटे पिंजरों में कैद किया गया, जहां उनका हिलना डुलना भी मुश्किल हो गया। ऐसी कठिन परिस्थितियों को झेलते झेलते मानो वो ये भूल ही गए थे कि वो कभी आजाद भी थे। उन्हें कब्ज की शिकायतें होने लगी और दवाइयां दिए जाने पर भी राहत नहीं मिल रही थी। ट्रेनिंग ने कई कुत्तों को काफी बीमार और डरपोक बना दिया, लेकिन कुड्राइव का थोड़ी अलग निकली। स्पेस प्रोग्राम की कठिन परिस्थितियों को झेलने में वो सक्षम रही। हालांकि एल्बिना नाम की दूसरी फीमेल डॉग साइंटिस्टों की पहली पसंद बनी। एल्बिना को एक बार पहले ही स्पेस के आधे रास्ते तक भेजा जा चुका था। इस मामले में वो कुड्रायवका के मुकाबले बेहतर पसंद थी, मगर मानो जिंदगी कुड्रायवका से खफा थी। एल्बिना ने उस ही दौरान बच्चों को जन्म दिया, जिस वजह से उसे इस घातक उड़ान से दूर रखा गया। बैकअप के रूप में उसे रखकर आखिरकार कुड्रायवका को मिशन के लिए चुना गया। कुड्रायवका और एल्बिना दोनों कुत्तों के शरीर में मेडिकल डिवाइसेस फिट किए गए। इनकी मदद से उनकी शारीरिक हरकतों पर नजर रखा जाना था।
इसके अलावा उनके ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और ब्रीदिंग रेट की जानकारियां भी इनकी मदद से मिलनी थी। रेडियो की मदद से आम लोगों को कुड ड्राइव का और स्पेस मिशन के बारे में बताया गया। कुड ड्राइव का ने रेडियो पर भौंककर अपने आप को लोगों से रूबरू कराया। इस तरह उनका नाम लाइका पड़ा, रशियन भाषा में जिसका मतलब बारकर यानी भौंकने वाला होता है। इस तरह बेसहारा फीमेल डॉग कुड ड्राइव का को सोवियत स्पेस डॉग लाइका में बदल दिया गया। अंतरिक्ष यान स्पुतनिक 2 में एक प्रेशराइज्ड कंपार्टमेंट में लाइका को बैठाकर उन्हें अर्थ की ऑर्बिट में भेजा जाना था। जाने का तो ठीक, पर स्पुतनिक 2 का निर्माण वापस आने के लिए नहीं किया गया था। इस वजह से लाइका का मरना निश्चित था। साइंटिस्टों ने स्पेस में लाइका के लिए सिर्फ 7 दिन के लिए ऑक्सीजन सप्लाई की तैयारी की। वे चाहते थे कि लाइका की मौत बिना ऑक्सीजन के आसानी से हो जाए। एक तरफ जहां सोवियत यूनियन लाइका को इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए तैयार कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ जानवरों के लिए काम करने वालों ने इस मिशन का विरोध करना शुरू कर दिया। ब्रिटेन ने तो यहां तक इसे राक्षसी और घिनौना बता दिया। प्रेस डेली मिरर ने अपना एक आर्टिकल द डॉग विल डाई वी कांट सेव इट सोवियत यूनियन के इस प्रोजेक्ट को नकारते हुए छापा। कुछ एनिमल राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने लोगों से सोवियत यूनियन एम्बेसीज में शिकायत करने की गुहार लगाई। इन सभी विरोध प्रदर्शनों के जवाब में सोवियत ने कहा कि ये सब वो सिर्फ लोगों की भलाई के लिए कर रहे थे, उनका मकसद जानवरों को प्रताड़ित करने का नहीं था। लाइका की मौत को हालांकि रोका जा सकता था। शुरुआत में सोवियत ने स्पेस में उसके ठीक से रह पाने और उसी हाल में उसको वापस ले आने का प्लान किया था। बदकिस्मती से सोवियत नेता ख्रुश्चेव ने एक ऐसा फरमान सुनाया जिसकी वजह से साइंटिस्टों को अपने प्लान में तब्दीलियां करनी पड़ी। ख्रुश्चेव चाहते थे कि स्पुतनिक 2 को लॉन्च बोल्शेविक रिवॉल्यूशन की 40वीं सालगिरह पर किया जाए। इसके लिए साइंटिस्टों के पास समय कम था। इतने कम समय में उनके लिए एक तरफा विमान बना पाना ही संभव था। बाद में ये डिसाइड हुआ कि लाइका को सिर्फ 1 हफ्ता स्पेस में जीवित रखा जाएगा, जिसके बाद उन्हें खाने में जहर देकर आसान मौत दी जाएगी। इस स्पुतनिक 1 के बाद अंतरिक्ष में अर्थ की ऑर्बिट में भेजे जा रहे दूसरे विमान इस स्पुतनिक 2 को बिना किसी प्रारंभिक डिजाइन के तैयार किया गया। उसका आकार सिर्फ वॉशिंग मशीन जितना ही रखा गया। इतनी कम जगह में जंजीर से बंधे कुत्ते को सिर्फ बैठने और लेट जाने की ही आजादी थी। सोवियत यूनियन ने भले ही लाइका के लिए मौत को चुना था, मगर कहीं न कहीं उनके दिल में लाइका के लिए दया थी। डॉक्टर व्लादिमीर यादोवस्की, जिन्होंने पहले ही दिन से लाइका का ध्यान रखा था, उड़ान के कुछ दिन पहले उसे अपने घर ले गए। लाचार कुत्ते को एक आखिरी बार उन्होंने खुला छोड़ दिया और बिल्कुल पालतू कुत्ते की तरह रखा। 3 नवंबर 1957, स्पुतनिक 2 को आखिरकार लॉन्च करने का दिन आ ही गया। लाइका को अंतरिक्ष यान में बैठाया गया। लाइका ने स्पेस सूट पहन रखा था जो सेंसर्स मेटल रेस्टेंट से लैस था। ये स्पेस सूट उसे साफ रखने के लिए भी काम आना था। यान में बैठते ही लाइका को डर लगने लगा। सामान्य गति के मुकाबले उसके दिल के धड़कने की गति 3 से 4 गुना बढ़ गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसके चेहरे से ही लग रहा था कि जैसे उसने ये मान लिया हो कि अब उसका बचना मुश्किल है। वो बेहद ही डरी हुई और सहमी हुई दिखाई दे रही थी। सुखद यात्रा विश करते हुए साइंटिस्टों ने सुबह 5:30 बजे करीब स्पुतनिक 2 को लॉन्च किया। ऑर्बिट में लाइका सुरक्षित पहुंच गई। रॉकेट की मदद से स्पेसक्राफ्ट ने टेक ऑफ किया और 162 दिन बाद धरती पर लौटा। धरती के 2570 चक्कर लगाने के बाद लाइका न लौटी। उसकी मौत हो चुकी थी।
सोवियत यूनियन का दावा है कि 3 नवंबर को उड़ान के बाद नवंबर 12 तक लाइका जिंदा रही। लाइका की मौत का असल कारण लोगों से छिपाया गया था। लोगों के बीच इसको लेकर तरह तरह की अफवाहें फैल गई थी। कुछ कहते थे कि लाइका ने उस जहर को खा लिया था जिसे उसको बेहोश करने के लिए तैयार किया गया था। कुछ लोग कहते थे कि दम घुटने से उसकी मौत हुई, तो कुछ का कहना था कि बैटरी फेल होना उसकी मौत का कारण बना। असल कारण 2002 में सामने आया जब सोवियत वैज्ञानिक दिमित्री मालाशेनकोव ने वर्ल्ड स्पेस कांग्रेस में सच्चाई से पर्दा हटाया। अंतरिक्ष यान का तापमान बढ़ने के कारण उड़ान के चौथे सर्किट के दौरान 7 घंटे के अंदर ही लाइका की मौत हो गई थी। चूंकि अंतरिक्ष यान को जल्दी में बनाया गया था, इसलिए उसमें तापमान नियंत्रण प्रणाली सही से लगाई नहीं जा सकी थी, जिस वजह से सिस्टम फेल हो गया। स्पुतनिक 2 गर्म से गर्म होता गया और 100 डिग्री फारेनहाइट तापमान को पार कर गया। अंतरिक्ष यान के अंदर का तापमान काफी बढ़ने के बाद एक बार फिर लाइका भयभीत हो गई और फिर वैज्ञानिकों ने उसकी धड़कन को तेज से तेज होते सुना। अंत में उन्होंने उसकी धड़कन को शांत होते सुना। स्पुतनिक 2 5 महीने तक अंतरिक्ष में रहा। 14 अप्रैल 1958 को जब वो धरती पर लौटने लगा तो विस्फोट के बाद लाइका के अवशेषों के साथ टुकड़ों में बंट गया। कुत्ते के अलावा अंतरिक्ष में बंदरों को भी भेजा जा चुका है। द सन वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार 30 बंदरों को अब तक स्पेस में भेजा गया है। इनमें से सबसे फेमस हैम चिंपांजी है। 31 जनवरी 1961 को रॉकेट ले अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। इसके बाद उसी साल अप्रैल में यूरी गैगरिन स्पेस में गए थे। हैम के रॉकेट को नासा द्वारा फ्लोरिडा से छोड़ा गया था। चिंपांजी 252 किलोमीटर तक ऊपर गया था और 16 मिनट तक यान में रहा था। इसके बाद वो सुरक्षित धरती पर लौट आया था। अभी तक स्पेस में सिर्फ एक बिल्ली सफलतापूर्वक लॉन्च की जा चुकी है, जिसका नाम था फेलिसेट। ये पेरिस की सड़कों पर रहने वाली एक बिल्ली थी। फ्रेंच स्पेस प्रोग्राम के तहत बिल्ली को स्पेस में भेजा गया था। बिल्ली ने 18 अक्टूबर 1963 को उड़ान भरी थी। उसके दिमाग में तार लगा दिए गए थे जिससे उसकी न्यूरोलॉजिकल हरकतों को मॉनिटर किया जा सके। अपनी 13 मिनट की स्पेस फ्लाइट को बिल्ली ने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था, मगर 2 महीने बाद उसे रिसर्च के काम की वजह से मार डाला गया था। सोवियत संघ ने स्पेस में कछुआ भी भेजा है। साल 1968 में कई कछुओं को जॉन्ड 5 स्पेसशिप से भेजा गया था। कीड़े और मिट्टी के सैंपल्स भी रखे गए थे। अंतरिक्ष यान ने 6 दिनों तक चांद के चक्कर लगाए और उसके बाद इंडियन ओशन में क्रैश कर गया। हैरानी की बात तो ये थी कि यान के क्रैश हो जाने के बाद भी कछुए जीवित बच गए। लेकिन जो भी हो, ये कहना गलत नहीं होगा कि लाइका ने ही इंसानों के अर्थ के ऑर्बिट में जा सकने के दरवाजे खोले। इसी के 3-4 साल में ही यूरी गगरिन स्पेस में जाने वाले पहले आदमी बन गए। वो सफलतापूर्वक वापस भी आ गए। क्या स्पुतनिक 2 मिशन के लिए लाइका की कुर्बानी का फैसला सही था? आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।